नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा पेमेंट बैंक के तहत विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जो कि दोस्तों आप चाहे मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी जिले या फिर किसी भी ग्राम से निवास करते हो, प्रत्येक मेल एवं फेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियां ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी ही प्रारंभ की जा चुकी है। दोस्तों, तो यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि दोस्तों यह बैंक पूर्ण रूप से ही भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। यानी कि आप सभी इस भर्ती हेतु अप्लाई करते हैं तो आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही परमानेंट गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 11 अक्टूबर से किया जा चुका है और आप सभी 31/10/2024 यानी कि 21 अक्टूबर तक इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो यदि अब हम इसके पश्चात टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि पदों की संख्या की बात करें, तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए एग्जीक्यूटिव के कुल मिलाकर 344 पद देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों यह भर्ती आप सभी के लिए भारत के प्रत्येक राज्यों में देखने के लिए मिलने वाली है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी जिले से निवास करते हो, प्रत्येक उम्मीदवार इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और अपने ही राज्य में इस जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आप सभी के लिए इस भर्ती की कुल मिलाकर 20 पोस्टें देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे, मध्य प्रदेश राज्य के लगभग प्रत्येक जिलों में ही आप सभी के लिए भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी जिले से निवास करते हो, आप सभी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे, मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले में बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, सियोनी, साजापुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, लगभग मध्य प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिलों में ही आप सभी के लिए भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। तो यदि आप भी भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत एक सरकारी जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो यदि अब हम इसके पश्चात इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें, तो इसकी संपूर्ण जानकारी को आप सभी यहां पर ऊपर देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय और किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री को पास किया हुआ है, तो आप सभी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी के साथ साथ ही आप सभी के पास ग्रामीण डाक सेवक में 2 वर्ष का अनुभव ही मांगा है। यदि आप सभी के पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो आप सभी इस भर्ती हेतु अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, यदि हम एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात करें, तो आपके लिए बता दें, आपकी मिनिमम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आप सभी के लिए 35 वर्ष देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, यदि हम इसके पश्चात सैलरी डिटेल यानी कि वेतन विवरण की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा वेतन मिलने वाला है। यदि आप सभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव के पदों पर चयनित होंगे, तो आपके लिए पर मंथ 30,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका बिल्कुल ही सीधी भर्ती यानी कि केवल मेरिट बेस के आधार पर होने वाला है। आप सभी ने ग्रेजुएशन की डिग्री में कितने मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं, उसके आधार पर पहले आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी और यदि आपका नाम इस मेरिट सूची में होगा, तो आप सभी के लिए डायरेक्ट ही इंटरव्यू के बेसिस के आधार पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आपका एप्लीकेशन फीस भी लगने वाला है, जिसकी संपूर्ण जानकारी को आप सभी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप सभी 750 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ टर्म एंड कंडीशन प्रोवाइड कराए गए हैं, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आप सभी के लिए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, तो यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं,
तो आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित किया गया। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सभी को ipbonline.com यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पर विजिट करने के पश्चात आप सभी के लिए इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर सिंपली आप सभी के लिए सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप सभी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के लिए करियर वाला विकल्प देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप सभी के लिए इस विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप सभी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर सिंपली आप सभी के लिए यहां पर शो वर कट वाले विकल्प पर सबसे पहले क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप सभी इसको कट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज शो हो जाएगा, जहां पर सिंपली आप सभी के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आप सभी इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी इस एडवर्टाइजमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप सभी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी सिंपली यहां से अप्लाई भी कर सकते हैं।